अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, जितने भी लोग एस्ट्राजेनेका की वेट कर रहे थे, अब उनका वेट ख़त्म हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको एस्ट्राजेनेका की तरसील जारी कर दी गई है। मतलब एक कोटा और जो एलोकेटेड उनके मामला थे उसके मुताबिक एस्ट्राजेनेका देना शुरू कर दी है। तो अब आप जितने भी लोग एस्ट्राजेनेका लगवाने जाते हैं अपने जो जहाँ हॉस्पिटलों में, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है तो उनसे आप रब्ता कर लें, वरना फिर कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं कि आप वहाँ पे जाके अगर लाइन में लगते हैं तो आपको जल्दी, अगर सुबह मॉर्निंग में जल्दी चले जाते हैं तो आपको टोकन मिल सकता है उसका। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों ने मुझे फीडबैक दिया और मैंने खुद जाके फिर वेरीफाई किया कि हाँ भाई वाकई लग रही है, एस्ट्राजेनेका ही लग रही है। तो उसके बाद ही मैं आपको न्यूज़ पब्लिश कर रहा हूँ, और आज लगी है और कल भी उम्मीद है, कल और परसों भी लगेगी। तो आप लोगों को अगर एस्ट्राजेनेका लगवानी है सुबह सुबह जल्दी जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर चले जाएँ और जाके पूछें, इंशाल्लाह 1-2-3 में आपको लाजमी मिल जाएगी एस्ट्राजेनेका। उसके बाद 16 लोग जो गैर कानूनी तरीके से ओमान में दाखिल होना जा रहे थे, इन्फ्लेटर्स जो थे बेसिकली, जो डंकी लगा के शिप के ज़रिए ओमान में दाखिल होना जा रहे थे एशियन नेशनलिटी के, उनको धर लिया गया और उनके कानूनी कार्रवाई जो है उनके खिलाफ़ अभी स्टार्ट हो गई है। तो मेरे जितने भी वो तमाम दोस्त और देखने वाले जो प्लीज़ अगर इस तरह की हरकत करने का सोचते हैं और एक शॉर्टकट के ज़रिए ओमान या किसी भी दुनिया के मुल्क में जाना चाहते हैं, प्लीज़ ऐसे ना करें। क्योंकि अब वो जो 16 लोग हैं ना, वो पता नहीं कब बाहर निकलेंगे बेचारे, और किस के हाथों बिके होंगे, कितने पैसे उन्होंने एजेंट्स को दिए होंगे, क्या उनके मामलात ज़िंदगी होंगे, पीछे उनके बच्चे बेगम या माँ बाप जो भी होंगे उनके क्या हालात और वाकयात होंगे, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता होगा और कई अरसे तक कुछ नहीं पता होगा कि कहाँ गए मेरे प्यारे और क्या मामलात हुए। सो प्लीज़ ऐसे ना किया करें ताकि आप भी सुकून में रहें और आपके पिछले भी सुकून में रहें। केसेस का मामला अल्हम्दुलिल्लाह सेट है अल्लाह पाक के हुक्म से, आज भी केस कम हुए हैं, डेथ भी सिर्फ एक हुई है। तो केसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओमान परफेक्ट जा रहा है। वैक्सीन का जो सेकंड डोज का ड्यूरेशन था पहले, फर्स्ट से सेकंड के दरमियान जो 6 हफ्ते का टाइम था उसको अब रिड्यूस करके 4 हफ्ते तक कर दिया गया। मतलब आपने अगर आज अपनी फर्स्ट डोज लगवाई है 14 सितंबर को लेट से मिसाल के तौर पे, तो 4 हफ्ते के बाद लाइक विद इन 1 मंथ आप अपना सेकंड डोज भी लगवा सकते हैं। तो ये एक अच्छी समझ लें कि एक पॉसिबल वाइब है। जितने लोग भाग जाना चाह रहे थे, ट्रैवल वगैरह करना चाह रहे थे, सपोज जैसे पाकिस्तान में 1 अक्टूबर के बाद आप नहीं जा सकते विदाउट दोनों डोज आपके मुकम्मल अगर हों, तो ये एक पॉजिटिविटी अभी चल रही है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं जो कारोबार, क्योंकि कल आपने अगर मेरी वीडियो फेसबुक पे देखी हो तो हम लोग कल बरका मार्केट का रात में सर्वे कर रहे थे, विजिट कर रहे थे, वहाँ पे लोगों से हाल अहवाल कर रहे थे कि क्या कारोबार हैं, किस तरह के मामलात चल रहे हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव वाइब्स ही आ रही हैं, पॉजिटिव फीडबैक ही आ रहा है हर जगह से हमें कि अब मामलात ज़िंदगी बेहतर हो गए, कारोबार रिवाइव हो रहे हैं और हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ऑफकोर्स स्टेबल होने में टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि फिर से वैसे ही क्रूज़ कंट्रोल हो गया जैसे कि पहले था, लेकिन वैसा भी नहीं है जैसा कि आज से 1 साल पहले था। सो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगे इंशाल्लाह मामलात ज़िंदगी ओमान में। और वर्ल्ड कप की तैयारी फ़िलहाल तो ज़ोरों शोर से है, स्टेडियम में भी बड़े चहचहा चल रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि एक अच्छा इवेंट हम लोग ओमान वाले जो हैं स्पेशली ये जो क्वालिफायर्स का होगा ये देखेंगे आने वाले दिनों में सल्तनत ऑफ ओमान में। तो वैक्सीन अगर आपने अपनी नहीं लगवाई है तो प्लीज़ वैक्सीन लगवाएं। अगर आपके पास बताका नहीं है या पासपोर्ट नहीं है तो घर से अपने पुराने किसी की कॉपी शॉपी मंगवा के उस पर आप अपने तरतीब बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। परेशान ना हो, टेंशन ना लें, वैक्सीनेशन लाजमी लगवाएं, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो आप दूसरों के लिए भी खतरा हैं। ये बड़ा एक सोचने वाला मकाम है। मुस्लिम बींग ए मुस्लिम भी हमें दूसरों को प्रोटेक्ट करना है, और वैसे भी ऑफकोर्स गवर्नमेंट इस तरह से ये मामलात कर रही है, तो बेहतर है कि आप सब लोग अपनी वैक्सीनेशन को लगवाएं। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।